आपका स्वागत है मेरे चैनल पर फिर एक बार, और मेरा नाम है विनय कुमार। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कृपया वीडियो पूरा देखें। नंबर वन, एक ब्रिटिश आर्टिस्ट हैं डोमिनिक विलकॉक्स। इन्होंने डोरोथी की लाल चप्पल द ओज के जादूगर से प्रेरित होकर नो प्लेस लाइक होम नामक जूते को बनाकर तैयार किया है, और ये जूता ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से लैस है, यानी GPS। और इसकी खास बात यह है कि जैसे आप कहीं भटक गए या अपने आगंतुक स्थान से दूर निकल गए हैं, तो ये जूता आप इसके हील को ऐसे ऐसे टैप करिए तो इसका जो GPS है वो ऑन हो जाएगा, और आपका जो आगंतुक स्थान है वहां के लिए ये चल देगा। और फिर क्या, आप इस जूते के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए और ये आपको आपके आगंतुक स्थान तक पहुंचा देगा। फैक्ट नंबर टू, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा होटल बाल्टिक सी में रुगेन के द्वीप के किनारे जर्मनी में स्थित है। इस होटल में 10,000 कमरे हैं और ये होटल 4.5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई में फैला हुआ है। और अब जो मैं आपको बताऊंगा, इसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इस होटल में आज तक एक भी आदमी नहीं रुका। जी हाँ, इस होटल में आज तक एक भी आदमी नहीं रुका। कारण ये है, 1939 में जैसे ही विश्व युद्ध द्वितीय शुरू हुआ, उसके साथ ही इस होटल का काम बंद कर दिया गया था हिटलर के हुक्म पे। यहाँ के सारे वर्कर्स युद्ध कारखानों में काम करने के लिए बुला लिए गए थे। होटल का नाम प्रोरा है और इसका निर्माण कार्य 1936 में शुरू हुआ था। इस होटल को बनाने में लगभग 9,000 लोगों ने दिन रात मेहनत की, पर उनकी मेहनत बेकार गई क्योंकि ये होटल आज के टाइम में एक खंडहर से ज्यादा कुछ नहीं। नंबर तीन, AK-47। आप सबने AK-47 का नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना? अरे वही जो संजय दत्त के घर में मिली थी। नहीं, उनके घर में AK-47 नहीं, AK-56 मिली थी। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि AK-47 का जन्म कैसे हुआ। दरअसल सोवियत यूनियन के घायल सिपाही ने मिखेल क्लास्निकोव से पूछा कि हमारे पास 2 या 3 सिपाहियों के लिए सिर्फ एक ही राइफल है कि जर्मनी के पास ऑटोमेटिक राइफल्स हैं। मिखेल क्लास्निकोव एक वेपन डिजाइनर थे, तब उन्होंने डिजाइन की AK-47 और उसका नामकरण भी खुद ही किया। ए मतलब ऑटोमेट, के मींस क्लास्निकोव, अपने नाम का ही लास्ट वर्ड इन्होंने दिया, क्लास्निकोव 47। कई लोग ये सोचते हैं कि उसकी जो मैगजीन होती है AK-47 की, उसमें एक बार में 47 गोलियां निकलती है, शायद इसलिए इसका नाम AK-47 है। पर नहीं, वो बन के तैयार हुई थी 1947 में, इसलिए उसका नाम रखा गया AK-47। और ये जर्मनी में मिलती है $350 से $400 की, और भारत में इसका प्राइस 2.5 लाख से 3 लाख है। नंबर 4, टेडी बियर। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि बच्चों को टेडी बियर से बहुत ज्यादा प्यार होता है, ठीक इसी प्रकार ये देखा गया है कि जब छोटे बच्चे सोते हैं, खासकर टेडी बियर को साथ में लेके, तो बहुत अच्छी और बहुत गहरी नींद में सोते हैं। अधिकतर लड़कियां भी टेडी बियर्स के साथ सोती हैं क्योंकि बॉडी को सेफ महसूस होता है टेडी बियर के साथ सोने में, और ये एक अच्छी वाली फॉल्स फीलिंग होती है। फैक्ट नंबर 5, अट्री अंडर अरेस्ट। आपने ब्रिटिश राज के कई सारे क्रूर किस्से सुने होंगे। अभी तक आपने सिर्फ इंसानों और जानवरों को ही कैद होते देखा होगा, पर आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या आपने कभी पेड़ की गिरफ्तारी के बारे में सुना है, जो कि पिछले 121 सालों से कैद में है? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बरगद का पेड़ है जो कि पिछले कई सालों से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये पेड़ पाकिस्तान के लांडी कोटल आर्मी में लगा है। इसकी गिरफ्तारी के पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार ये कहानी 1898 की है, जब नशे में धुत ब्रिटिश अफसर जेम्स लांडी कोटल आर्मी कंटेनमेंट में टहल रहा था। इसी दौरान उसे महसूस हुआ कि सामने मौजूद बरगद का पेड़ उसकी तरफ आ रहा है। वह बुरी तरह घबरा गया और आसपास मौजूद सैनिकों को आदेश देकर पेड़ को गिरफ्तार करवा लिया।
सैनिकों ने भी आदेश का पालन करते हुए कहीं भाग न जाए इसलिए जंजीरों से बांध दिया। 121 साल बाद भी यह पेड़ आज तक जंजीरों से जकड़ा हुआ है और इस पर एक तख्ती भी लगी हुई है जिसपे लिखा है आई एम अंडर अरेस्ट और नीचे बाकी का पूरा वाक्य लिखा हुआ है।